परांठे हम रोजाना ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। यदि ये परांठे अलग-अलग स्वाद में, अलग-अलग तरीके से बनाए जाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और खाने वाले को भी मजा आ जाता है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और आसानी से बनने वाला सत्तू का परांठा। ये परांठा यूपी बिहार में बहुत पॉपुलर है। सत्तू को गर्मियों में हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये लू से बचाता है और ये हर जगह आसानी से मिल भी जाता है। आज हम चना सत्तू का परांठा बनाएंगे। यदि आपके पास घर पे ये भुने हुए चने पड़े हैं, रोस्टेड चना, तो इसे मिक्सी में डाल के पीस लें। चने का सत्तू रेडी है। इसे घर पे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट से परांठा बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मल्लिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम परांठे के लिए डो बना लेते हैं। 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं और साथ में अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा मसल के डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे और पानी डाल के आटा गूंद लेंगे, मतलब डो बना लेंगे। नॉर्मल जैसे हम परांठे का डो लगाते हैं, हमें उसी तरह का डो बनाना है, ना बहुत हार्ड और ना ही बहुत सॉफ्ट। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है, तो इसे कवर करके हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे, जिसमें कि आटा सेट हो जाएगा। अब हम सत्तू की स्टफिंग बनाएंगे। तो एक बॉल लेंगे और इसमें हम आधा कप सत्तू डाल देंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और साथ में 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च डालेंगे, 1/8 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून ही अजवाइन ले रहे हैं, अजवाइन को थोड़ा मसल के डालना है, और 2 छोटे चम्मच हमने अचार का मसाला लिया है, इसे भी डाल देंगे। अचार का मसाला डालना बहुत जरूरी है, सत्तू के परांठे में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने तो यहाँ पे आम के अचार का मसाला लिया है, आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। 1/8 टीस्पून कलौंजी भी डालेंगे। कलौंजी अचार के मसाले में भी है, लेकिन थोड़ी सी और डालेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। ट्रेडिशनल सत्तू परांठे में भी सरसों का तेल का ही यूज होता है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमने पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑयल का ही यूज करना है। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़े से पोर्शन को मुट्ठी में लेके दबाएंगे। ये देखिए, ये शेप होल्ड कर रहा है, इट मींस ये परफेक्ट है। यदि ये शेप ना होल्ड करे तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल लें। अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है और हरी मिर्च को हमने छोटा छोटा काट लिया है। एक छोटे साइज के प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे, और साथ में खूब सारा हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधे नींबू का रस भी डाल देते हैं। ये देखिए, सत्तू परांठे की स्टफिंग रेडी है। आप चाहें तो इस टाइम आप स्टफिंग का टेस्ट भी कर सकते हैं, और जो वेरिएशन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें से लोई तोड़ेंगे और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। तवा भी हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। लोई को सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। सूखा आटा लगाएंगे और हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसे बेल लेते हैं। इसे बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे। जैसे हम आलू परांठा, गोभी परांठा बनाते हैं, आप उसी तरह से इसे भी बना सकते हैं। तवे पे हल्का सा घी या ऑयल लगाएंगे और परांठे को डाल देंगे। अब इसे पलट लेते हैं। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पक गया है तो हम घी से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसे हल्का सा दबा देंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम भी अंदर से क्रिस्प बनेगा। दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक साइड या दोनों तरफ से फ्राई कर सकते हैं। अब इस साइड पे भी हल्का सा दबा लेते हैं, साइड पलट लेंगे। ये देखिए, परांठा कितने अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब इसे उतार लेते हैं और दूसरा परांठा डाल लेंगे। ऐसे हम सारे परांठे सेक लेते हैं। सत्तू के बहुत स्वादिष्ट परांठे बनके तैयार हो गए हैं। इसके साथ टमाटर प्याज की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। टमाटर प्याज की चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इसे साथ के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप इसे दही, रायता, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बटर के साथ, घी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इवन ये चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिए। आपका परांठा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब आप भी सत्तू के परांठे बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।